नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अर्निंग अपॉर्चुनिटी चैनल पर। तो अभी दोस्तों हम सभी लोगों को जा लाइफस्टाइल और ईहा के तरफ से बहुत सारे गुड न्यूज़ देखने को मिले, बहुत सारे अच्छी खबरें आ रही है जा लाइफस्टाइल और ईहा के तरफ से। अभी अपडेट क्या है ये मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ। और मैं आप सभी लोगों को अभी बताना चाहता हूँ दोस्तों कि जो भी अपडेट मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ वो सभी अपडेट मैं अपने तरफ से नहीं बता रहा हूँ। जो भी अपडेट मैं बताने वाला हूँ ये सभी अपडेट दोस्तों कंपनी की तरफ से आए हैं। जो हमारे कंपनी के जो CEO है उन्होंने ये अपडेट दिया है, अरुण सेठिया जी ने। तो आप सभी लोगों के लिए ये वाला अपडेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इस वीडियो को पूरे एंड तक ज़रूर देखना। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, जिससे जो भी लेटेस्ट अपडेट होते हैं वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम सीधा अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि जो हमारी एडवर्टाइजिंग कंपनी है ईहा, वो यहाँ पे अभी स्टार्ट हो चुका है, बहुत सारे लोग यहाँ पे ऐड देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों जो अभी मेन प्रॉब्लम था वो एशिया के साथ था, ठीक है। एशिया में दोस्तों यहाँ पे एडवर्टाइज़र ईहा को ऐड नहीं दे रहा था। तो दोस्तों कंपनी की तरफ से हम सभी लोगों को एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को ये मिला है कि अरुण सेठिया जी ने हम सभी लोगों को ये अपडेट दिया है कि एशिया से अभी बहुत सारी कंपनियां यहाँ पे रजिस्टर कर रही है, और जो दोस्तों हम सभी लोगों का रियल एड है वो भी एशिया में अभी देखने को मिलने वाला है। जैसे कि अगर आप सभी लोग देखो तो काफ़ी सारे जगह पे सभी लोगों को रियल एड देखने को मिल रहा है, लेकिन इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में जो भी ये एशिया साइड वाली कंपनी है इन सभी जगह पे अभी रियल एड नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एडवर्टाइज़र नहीं था। तो दोस्तों अरुण सेठिया जी ने ये बोला है कि एशिया के तरफ से जो भी एडवर्टाइज़र है उनके तरफ से काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा दिख रहा है, मतलब वो लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गए इस ईहा में अपना रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। बहुत सारी कंपनियों का ये न्यूज़ आया है कि बहुत सारी कंपनी ने यहाँ पे ऑलरेडी अपना रजिस्ट्रेशन कर चुका है। तो दोस्तों ये काफ़ी गुड न्यूज़ है, ठीक है। तो अभी दोस्तों हम सभी लोगों को यहाँ पर रियल एड मिलने का चांसेस बढ़ रहा है। और जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि 13 तारीख को दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ी कंपनी रजिस्ट्रेशन होने वाली है, ठीक है। तो उसका और एक बहुत बड़ा अपडेट दोस्तों हम सभी लोगों को ये देखने को मिला है कि जो ये बहुत बड़ी कंपनी है जो यहाँ पे रजिस्टर करने वाली है, तो दोस्तों ये न्यूज़ आया है कि जो कंपनी है उसके पास बहुत सारे ब्रांड्स है, ठीक है। मतलब जो कंपनी है वो सिर्फ एक ही एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखाने वाला है, उसके पास दोस्तों बहुत सारे एड है। तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि एक ही कंपनी के थ्रू हम सभी लोगों को यहाँ पे बहुत सारे एड देखने को मिलने वाले हैं। और बहुत सारे लोगों को यहाँ पे ऐसा लग रहा होगा कि जो कंपनी है वो सिर्फ एक ही कंपनी को देख के रुक गई है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। अरुण सेठिया जी ने खुद मीटिंग में ये चीज़ बोला है कि जो कंपनी है वो एक ही कंपनी पे नहीं टिकी हुई है, ठीक है। 13 तारीख को जो रजिस्ट्रेशन होगा वो तो बढ़िया है, लेकिन दोस्तों कंपनी उसके अलावा और भी बहुत सारे कंपनियों के साथ यहाँ पे बात कर रही है। न्यूज़ ये आया है दोस्तों कि उसके अलावा भी यहाँ पे काफ़ी सारी कंपनीज़ ने यहाँ पे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुका है। तो दोस्तों अभी जैसा कि और एक अपडेट ये कि यहाँ पर 13 तारीख को जो हमारा एक बहुत बड़ा कंपनी यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होने वाला है, तो उसी के रिगार्डिंग में दोस्तों काफ़ी सारे जगह पे ये अपडेट आ रहा है, मतलब अपडेट भी नहीं आ रहा है, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि 20 तारीख तक हम सभी लोगों को यहाँ पे रियल एड देखने को मिल सकता है। तो देखो यार, देखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा वो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन शायद से मिल भी सकता है, ठीक है। अभी अगर दोस्तों मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ तो देखो कंपनी क्या कहती है ना, कंपनी पहले तो ऐसा बोलती है, जैसे कि अभी तक कंपनी ने बोला नहीं है कि 20 तारीख तक हमको रियल एड देखने को मिलेगा, लेकिन काफ़ी सारे जगह में दोस्तों ये भी न्यूज़ आ रहा है कि जो सितंबर का महीना होने वाला है ये हम सभी लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का महीना होने वाला है, और सितंबर में ही दोस्तों बहुत चीज़ें होने वाली है। दोस्तों यहाँ पे कंपनी की तरफ से हम सभी लोगों को ये भी अपडेट देखने को मिला है कि सितंबर को जो हमारा जा कॉइन है और जो हमारी कंपनी है जो लंदन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर होने वाली है, तो दोस्तों कंपनी इस महीने को शायद से रजिस्टर हो जाए और जो हमारा जा कॉइन है और जो हमारा फ्यूचर शेयर है वो भी हमको यहाँ पर रियल देखने को मिलने वाला है। मिलने वाला है ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन शायद से मिल सकता है। तो अभी तो हम सभी लोग न्यूज़लेटर के वेट में ही बैठे रहते हैं कि न्यूज़लेटर कब आएगा और कब हम सभी लोगों को यहाँ पे रियल अपडेट देखने को मिलेगा।
तो दोस्तों बेसिकली इतना ही था अपडेट। अभी मैं आप सभी लोगों को मेरा रिव्यू बताने वाला हूँ, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। आप सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो, और अगर आप सिर्फ अपडेट के लिए आए थे तो आप इस वीडियो को यहीं पर क्विट कर सकते हो, आप छोड़ सकते हो। और बाकी जो लोग मेरा रिव्यू जानना चाहते हैं यार, तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताता हूँ। जैसे दोस्तों देखो, काफ़ी सारे अपडेट आते रहते हैं लेकिन कंपनी जो है ना वो कभी ना तो एडवर्टाइज़र का नाम बताती है ना तो किसी का, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जैसे कि अभी बहुत सारे लोग यहाँ पे वीडियो डाल रहे हैं कि ये जो सितंबर का महीना है ये हम सभी लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम का महीना रहने वाला है, और इसी महीने को दोस्तों बहुत सारे अपडेट आ रहे हैं कि हम सभी लोगों को रियल एड देखने को मिलने वाला है, और जो हमारी अर्निंग है दोस्तों वो भी इसी महीने स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों जितना तक मुझे लगता है कि जैसे अभी हम सभी लोग यहाँ पे 13 तारीख का बहुत ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो जैसे ही दोस्तों 13 तारीख आएगा वैसे ही जो कंपनी है वो हम सभी लोगों को और एक डेट दे देगा, ठीक है। इतना तक तो हर कोई जानता है कि कंपनी और एक डेट देगा ही देगा, क्योंकि कंपनी कभी हमको रियल एड के बारे में कोई अपडेट देता ही नहीं है, कंपनी उस डेट को सिर्फ आगे करता है। तो आप दोस्तों इस भरोसे में मत रहिए कि इसी महीने को हम सभी लोगों को रियल एड देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों रियल एड के लिए यहाँ पर कम से कम 1000 कंपनियाँ रजिस्टर होनी चाहिए। अगर दोस्तों यहाँ पर 1000 कंपनियाँ रजिस्टर रहती है तो कंपनी हर एक को एड दिखा सकती है, ठीक है। अभी अगर आप देखो कि अगर एक कंपनी है जो यहाँ पे आई और उसने मान लो 1 करोड़ रुपए का पैकेज ख़रीद लिया, ठीक है। तो दोस्तों अगर आप देखो तो कंपनी में इतने सारे लोग हैं, ठीक है, इंडिया से ही अगर आप देखो तो इंडिया से यहाँ पे करोड़ों लोग हो जाएंगे, और अगर एक ही कंपनी का एड दिखाना शुरू करे हर एक बंदे को तो देखो एक ही दिन में कंपनी का करोड़ों रुपये ख़त्म, कंपनी का तो करोड़ों रुपये ख़त्म हो गया, और उससे जितने भी लोग हैं उनमें से कोई भी विड्रॉल नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि 100 यूरो में हमारा विड्रॉल होता है। तो आप इस बात को समझिए, जो ये प्रोसेस है दोस्तों, अगर यहाँ पे रियल कंपनियाँ आ रही है तो ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा लंबा होने वाला है, ठीक है। इस महीने को शायद से हम सभी लोगों को रियल एड देखने को ना मिले। और दोस्तों दूसरा एक अपडेट मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप सभी लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जब भी इंटरनेशनल मीटिंग होता है, इंटरनेशनल मीटिंग में सिर्फ अरुण सेठिया ही सर आते हैं, ठीक है। उनके अलावा क्या आपने कभी और इंटरनेशनल के किसी एक बंदे को देखा था जो यहाँ पे आके कोई भी अपडेट दे रहा है? तो आज तक ऐसा कोई भी बंदा नहीं आया, जितने भी अपडेट है वो सिर्फ़ और सिर्फ अरुण सेठिया जी ने ही दिया है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक चीज़ बताने वाला हूँ, जितना तक मुझे लगता है कि ये जो कंपनी है ये अरुण सेठिया जी का है, और उन्होंने और जोनी सर ने मिलकर इस कंपनी को स्टार्ट किया, ठीक है। तो आप इस बात को याद रखिए दोस्तों, जितना तक वो है कि एलेक्स सर कोई नहीं है, ठीक है, एलेक्स सर अगर होते दोस्तों तो हमको उनका कोई तो आइडेंटिटी मिलता, जितने लोग लंदन में काम कर रहे हैं उनका कुछ तो होता, लंदन के जो भी और कोई है तो वो तो आते हैं ना, जो असिस्टेंट है वगैरह, जो मैनेजर वगैरह, मतलब उनमें से अगर आप देखो तो उनमें से कोई भी मीटिंग में नहीं आता, मीटिंग में सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा आता है जो है अरुण सेठिया, ठीक है। और अरुण सेठिया का अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो वो लंदन के है ही नहीं, ठीक है, वो मलेशिया के एडमिन है। और बहुत सारे जगह में बहुत सारे लोग अभी ये बोलेंगे कि अरुण सेठिया जो है वो इस कंपनी के COO है इसीलिए वो मीटिंग में आते हैं, ठीक है। तो दोस्तों आप एक चीज़ याद रखिए, जब ये कंपनी स्टार्ट मतलब प्री लॉन्चिंग में थी, जब ये कंपनी मई जून में थी 2020 के, तब दोस्तों तब से लेके अभी तक तब भी जो इंटरनेशनल मीटिंग होता था उसमें भी सिर्फ़ और सिर्फ अरुण सेठिया जी ही आते थे। तो आप इस बात को समझिए दोस्तों, ये कंपनी अरुण सेठिया जी की ही है।